गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर फोर फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 4E. सो इन दिस वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस की डिवीजन करेंगे. कैसे करेंगे आई विल टेल यू. सो फॉर दैट आई हैव अ नंबर 2/4 डिवाइडेड बाय 3/4 विच मीन्स दिस इज माई डिविडेंड एंड दिस इज माई डिवाइजर. ये मेरा डिवाइजर है एंड दिस इज माई डिविडेंड. सो वॉट आई हैव टू डू आई विल कन्वर्ट माई डिवाइजर. मैं उसका रेसिप्रोकल करूँगी. रेसिप्रोकल मीन्स 2/4 है. रेसिप्रोकल करूँगी तो साइन का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लिकेशन. डिवाइड मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. So it comes at 4/3. This can be written as 2/4 into 4/3. Ulta kar do. Means what I have done, I have taken the reciprocal of 3/4. So 2 into 4 is 8, 3 into 4 is 12. विच मीन्स कॉमन फैक्टर 2 है जिसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो 4 है. सो यानी कि 2/3 आ जाएगा. सो माई आंसर इज 2/3. लेट जस्ट डू वन मोर पार्ट सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. लेट जस्ट टेक बी पार्ट नाउ. 2/9 डिवाइडेड बाई 4/9. आपको अब क्या करना है, अब आपको इसको रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल किसको करोगे, सेकंड टर्म को. तो जब सेकंड टर्म को रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा साइन भी रेसिप्रोकल हो जाता है. जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं. मींस इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले आते हैं. और जब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लाते हैं तो जो डिवाइज़र होता है वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है. यानी कि 4/9 है तो 9/4 हो जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करूँगी तो 2 9 18, 18/36, 18/36. और 18/36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो सो इट विल कम एज 1/2. 18 1 18, 2 ज़ा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डिवीजन वाली टर्म को रेसिप्रोकल करना है. जो आपका डिवाइजर है उसे रेसिप्रोकल करोगे और आपका डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा. सपोज सी पार्ट इज देयर 1/5 डिवाइडेड बाय 3/5 विच मीन्स 1 5 ज़ा 5, 5 + 1 = 6/5. अब मैं क्या करूँगी, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी. और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करूँगी मेरा डिवाइज़र रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मीन्स 3/5 है तो उल्टा हो जाएगा 5/3. रेसिप्रोकल मीन्स मेरा डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर बन जाता है. मेरा डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर बन जाता है और मेरा न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर बन जाता है. ओके, सो नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस विच मीन्स 30/15. Now if I'll convert it into the simplest form, so I'll get 2/1, which can be written as 2 only. Okay. So now next let's just take D part. That is 5 divided by 2/3. Now we have 5 divided by 2/3. Ye mera divisor hai. So I will, what I will do, I'll write it as 5 into, division ko into mein change karna hai, means multiplication mein. Isko multiplication mein kara, to mera 2/3 ko bhi I'll convert it into the reciprocal. So it will be written as 3/2. Which means when I'll solve, I'll get 15/2. So my answer is 15/2, which can be
written in the mixed fraction also, like 14 1 over 2. Okay, so the remaining parts are your homework. I want you to try more parts, only then your doubts and your queries will be solved. Okay, now next question number 2.